नेक्स्ट क्वेश्चन 2016 का सवाल है क्वेश्चन सेज टू कार्स पी एंड क्यू स्टार्ट फ्रॉम अ पॉइंट एट द सेम टाइम इन अ स्ट्रेट लाइन एंड देयर पोजिशन आर रिप्रेजेंटेड बाई एक्स पी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम टी इज ए टी प्लस बी टी स्क्वायर एंड एक्स क्यू इज इक्वल टू एफ टी माइनस टी स्क्र सवाल है एट वॉट टाइम डू द कार डू द कार्स हैव द सेम वेलोसिटी अगेन बहुत आसान सवाल है अपने को ये दे रखा है एक्स पी जो है uh, वो अपना वेरी करता है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर से और एक्स क्यू जो है क्यू जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है क्यू पार्टिकल का वो वेरी कर रहा है एफ़ टी माइनस टी स्क्वायर से हमें बताना है दोनों की वेलोसिटी कब बराबर होगी तो वेलोसिटी के लिए आप वेलोसिटी पी उसको लिख सकते हैं डी एक्स पी डिवाइडेड बाई डी टी इसको अगर हम डिफरेंशिएट कर दें तो वेलोसिटी आ जाएगी इसको डिफरेंशिएट करने पर आएगा ए प्लस टू बी टी दूसरे की वेलोसिटी लिखेंगे वी क्यू इसको डिफरेंशिएट करेंगे सो डी एक्स क्यू डिवाइडेड बाई डी टी इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे ये आएगा एफ माइनस टू टी अब हम चाहते हैं दोनों एक दोनों इक्वल कब हो जाएंगे विच एम्प्लाइज आपकी कंडीशन हो गई ए प्लस टू बी टी इज इक्वल टू एफ माइनस टू टी इसको इधर ले आएँ और ए को उधर ले जाएं सो so ये बन जाएगा टू बी प्लस टू टी विल बी इक्वल टू एफ माइनस ए इससे डिवाइड कर देंगे तो टाइम की वैल्यू आ जाएगी विच एम्प्लाईज टी हो जाएगा आपका एफ माइनस ए डिवाइडिड बाई टू बी प्लस वन सो ये अपनी फाइनल वैल्यू हो जाएगी सो बेज ऑन दिस हम कह सकते हैं ऑप्शन नंबर डी एफ माइनस ए डिवाइडेड बाई टू वन प्लस भी वुड बी द राइट आंसर